बुर्ज खलीफा। तो अभी ये पार्ट वन है, मैं आपको पहले पार्ट वन दिखाता हूँ। देखो ये पहले आपको ऐसा कोई टेबल ले लेना है या फिर कैरम बोर्ड, ओके। और आपको चाहिए टू बॉक्सेस ऑफ झींगा, पर मैंने लिफाफे में डाल के रखे हैं। और आप आपके पास स्टेपलर तो होएगा ही, और आप ना और आप ऐसे ये भी बना सकते हो रिवर, और आपको बनानी है तो आप बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसे बनाना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी गाइस मैं आपको पहले एक बार गाइस देखो थोड़ा सा इधर को कर दो गाइस ताकि आपको दिख सके, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे। देखो यहाँ पर है मैं झींगा ब्लॉक्स, ठीक है। हो रहा है झाड़ू लगाते वीडियो बन रही है तेरी तो नहीं बन रही, सही बात थी गाइस। ये रहा मेरा, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे बनाना है। देखो पहले सबसे बड़े वाला ही ले लेना है, ओके गाइस। फिर आपको ऐसे कर करके लगाना है, दिखा देता हूँ कैसे कर करके लगाना है। पहले आपके पास ना थोड़े से आदमी भी हो सकते हैं अगर आपको खेलना है। मैं अभी इतने का ब्लॉग्स ले रहा हूँ, इससे देखो ना ये बड़ा कर लिया है। भाई आपको जितने फ्लोर बना रहे हैं आप उतने फ्लोर बना सकते हो, मैंने तो 9 फ्लोर बनाने हैं क्योंकि मेरे पास 9 फ्लोर के लिए ही है, और वैसे मैंने थोड़ी डेकोरेशन भी करनी है। आपको पार्ट वन में मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, फिर पार्ट टू में देखेंगे, फिर पार्ट थ्री तक शायद से बन जाएगा, क्योंकि नहीं पार्ट फोर तक ही आएगा भाई। आप कोई भी वैसे आपको झींगा मिल जाएंगे टॉय शॉप से, भाई मैं तो दिख ही नहीं रहा मैं दिख ही नहीं रहा। अब भाई वैसे 1 घंटा तो लग जाएगा बनाने में, चलो कोई बात नहीं। मैं आप पहले इतना मेहनत कर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1 लाइक तो दे दो, बस 1 लाइक ज़्यादा, मैं 1 लाइक दे दो मैं खुश हो जाऊँगा। आपको पार्ट वन में तो बस मैं आपको थर्ड फ्लोर ही दिखाऊंगा, मैं सेकंड फ्लोर ही बनाऊंगा, पर थर्ड पार्ट में थर्ड फ्लोर फ्लोर बनाऊंगा। पंजाबी
कार्डबोर्ड तो हो गई, तो आप कार्डबोर्ड से बड़े 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 छोटे बड़ा छोटा छोटा से बहुत छोटा ऐसे सर्कल्स बना सकते हो। पार्ट टू तक ये पूरा बुर्ज खलीफा वैसे बन जाएगा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज मैं आपको अब नेक्स्ट दिखाऊंगा पार्ट टू में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी भूलना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके बाय।